Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 10th of May 2021, Monday. Inspiration of the day is work for a cause, not for applause. Live life to express, not to impress. In today's discussion, we are going to cover these articles. So, let's start with article number one given on page number one GST exemption on vaccines will lead to high prices. FM. रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था एंड डेफिनेटली दैट वॉज़ अ ओपन लेटर और उस लेटर में ये रिक्वेस्ट करी थी कि जितनी भी जो की ड्रग्स हैं और वैक्सीन हैं कोविड नाइन्टीन की उनको जी एस टी से या जो अदर ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उनसे एक्जम कर दिया जाए जिससे कि जो सप्लाई साइट पे जो कंस्ट्रेंट आ रहे हैं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर के वो एफिशिएंटली रिमूव किया जा सकेंगे और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी सो इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दिस पैंडमिक वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर हैज़ रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू एग्जेम्प्ट द की ड्रग्स एंड वैक्सीन फ्रॉम जी एंड अदर ड्यूटीज और अगर हम बात करें कि कितनी जीएसटी लगती है अभी वैक्सीन पर और जो की ड्रग्स हैं कोविड की तो पाँच परसेंट जी वैक्सीन पर लगती है और ट्वेल्व परसेंट जी ऑन की ड्रग मेडिकेशन्स जो हैं उन पर लगती है तो ममता बनर्जी की इस रिक्वेस्ट के बाद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर वो वैक्सीन और जो मेडिसिन हैं की ड्रग्स मेडिसिन हैं अगर उन पर जी एस एग्जम्प्ट कर देंगी अगर उनको जी या अदर ड्यूटीज़ उन पर रिज़्यूम जो होती हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाएगा तो मैन्युफैक्चरर्स को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी के तहत आईटीसी जो उनको मिलता है जिस जो बेसिकली उन्होंने इनपुट पर जो टैक्स पे किया होता है मैन्युफैक्चरर्स ने वो उनको वापस मिल जाता है बहुत अगर सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम से ही लग रहा है इनपुट पर जो रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए तो उस पर टैक्स पे करते हैं तो वो जो टैक्स पे करते हैं पर्टिकुलर इनपुट पर वो टैक्स उनको वापस कर दिया जाता है जिससे कि टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो टैक्स ऑन टैक्स ना लगे तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर जीएसटी से हटा देते हैं हम वैक्सीन को और मेडिसिन को तो मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जिससे कि जो भी कॉस्ट आएगी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की या जो अदर टैक्स उस पर हो लेविडोर है उसका सारा जो बर्डन है दैट विल बी ट्रांसफर टू एंड कस्टमर ऑर सिटीजन बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ वैक्सीन और मेडिसिन और ऐसा नहीं है कि वेस्ट बेंगाल ने ही ऐसा पहला स्टेट है जिसने इस एग्जाम्पन की डिमांड करी है इवन डिमांड टू एग्जाम द कोविड नाइन्टीन वैक्सीन एंड रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम जी एस टी आर स्टिल ग्रोइंग एज द कंट्री इज फाइटिंग द सेकेंड वेव तो छत्तीसगढ़ पंजाब ने भी वेस्ट बंगाल के साथ जीएसटी एग्जैम्पन के लिए रिक्वेस्ट करी थी प्राइम मिनिस्टर से और डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस के अलावा कुछ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं या इस्ट्राटिस्ट हैं उन्होंने भी सेंटर से डिमांड करी हालाँकि जो आर्ग्यूमेंट दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको देख कर तो लगता है कि अभी रिसेंटली या अभी इनिशियल टाइम में किसी भी पैंड कोविड uh, की ड्रग को या वैक्सीन को जी एस टी से एग्जम नहीं किया जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट टू रेगुलेट ऑल जी एस टी रिलेटेड ट्रीटमेंट तो अगर हम बात करें फ़ौरन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे इंडिया के दाट मिस्टर अब अरविंद सुब्रमण्यम उन्होंने भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया था कि जी एस टी का सस्पेंशन कर दिया जाए और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं गुड्स एंड सर्विसज को पर जो कि कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट या ड्रग्स या मेडिसिन के सप्लाई के लिए या मैनुफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं उसको भी रिड्यूस किया जाए जिससे कि जो इवेंचुअल कॉस्ट आएगी वो मैनुफैक्चर लेवल पर ही वो उसको कम कॉस्ट पर अवेलेबल होगा तो वो इवेंचुअली जो लास्ट कस्टमर है सिटीजन है उस तक कम कॉस्ट तक पहुँचेगी ऑल दो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि इफ द फुल एग्जाम्पन फ्रॉम द जी एस टी इज गिवेन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ दीज आइटम्स वुड बी अनेबल टू ऑफ सेट ऑल द टैक्सेस पेड ऑन देअर इनपुट एंड डेफिनेटली इफ दे आर पेइंग टैक्सेस ऑन इनपुट और रॉ मटीरियल एंड दे आर नॉट गेटिंग इट रिमबर्स दे विल पास दिस टैक्स टू द एंड कंज्यूमर बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ मेडिसिन और वैक्सीन्स तो उनका कहना है कि जो पांच परसेंट जीएसटी लग रहा है तो उनका कहना है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा जीएसटी से रिमूव करना कोविड रिलेटेड मेडिकेशंस को या वैक्सीन को दीज आर फुल स्टेटमेंट दैट एक्चुअली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ट्वीटेड ऑन देयर ट्विटर अकाउंट और उनका यह भी कहना है कि जो गवर्मेंट सप्लाई जो गवर्नमेंट के साइड से वैक्सीन इंश्योर हो रही हैं या जो स्टेट के साइड से वैक्सीन इंश्योर हो रही है, है उसका और सबका जो जीएसटी का जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से वैक्सीन आ रही है जो भी सप्लाई इशूज हो रही हैं उसका जो जी का बर्डन दैट इज़ एक्चुअली पेड बाई सेंटर और जो सेंटर स्टेट uh, के साइज आ रही हैं वो स्टेट्स बेयर कर रहे हैं एंड फर्दर दर फोर्टी वन परसेंट ऑफ द सेंटर्स कलेक्शन ऑल्सो गेट डिवॉल्व टू द स्टेट्स so states एंड up receiving almost परसेंट ऑफ the टोटल रिवेन्यू कलेक्टेड from the vaccines तो स्टेट्स गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है ऐसा हमारी जो फ़िनेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है जीएसटी को हटाना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है एज पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स आर इन इम्पॉसिबल ट्रिनीटी बट रिजर्व रेडी से एक्सपर्ट्स इंडिया में जिस तरह से कोविड 19 की सेकेंड वेव राइज हो रही है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर कोई भी अभी राहत नहीं है कोविड 19 के केसेस को लेकर के उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर अब क्लियरली दिखने लगा है अगर हम कोविड 19 के फोर्स्ट वेव की बात करें तो उस जैसा तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी तक नेशन वाइज लॉकडाउन अभी तक इम्पोज नहीं किया गया बट आधे से ज़्यादा जो कंट्री है वो लोकलाइज लॉकडाउन के एरिया में आ रहा है मीन्स लोकलाइज लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर लगा रखा है एंड डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू बैलेंस द टू अपोजिट ऑब्जेक्टिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडियन इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउंस हो रहे हैं कोविड नाइन्टीन की वजह से उसको बैलेंस करने के लिए सारे कन्वेंशनल और अनकन्वेन्शनल मैथड्स और पॉलिसी यूज़ कर रही है अभी के लिए आर बी आई के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें दो डिफरेंट अपोजिट ऑब्जेक्टिव्स को आरबीआई को मेंटेन करना है वॉट आर दो टू ऑब्जेक्टिव्स मेंटेनिंग ईजी फाइनेंशियल कंडीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट ईजी फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स फाइनेंस की अवेलेबिलिटी आसान हो लोन अवेलेबल हो लोगों के पास इन्वेस्टर्स के पास फंड हो जिससे कि डिमांड और इन्वेस्टमेंट इंश्योर किया जा सके ऑन द अदर हैंड Ensuring the external stability is also one of the challenge that RBI actually trying to balance, and these two and these two objectives are entirely opposite. They have the positive, negative correlation. General in general conditions, they have a negative correlation among them. और इस पर्टिकुलर कंडीशन वो इकोनॉमिक्स जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया इज और इंडिया मीन्स स्पेशली आर बी आई इज़ गोइंग टू तो द क्लासिक ट्रेलिमा डेलीमा की सिचुएशन को ट्रेलिमा नाम दिया है कंटेक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड दैट इज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी मतलब आर बी आई कोशिश कर रही है ट्राइंग टू बैलेंस द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थ्रू नंबर ऑफ Unique interventions, but actually it is impossible to आर बी आई टू मेंटेन अगर RBI financial condition फाइनेंशियल कंडीशन को मेनटेन करती है तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी शेक करती है और अगर आर बी आई एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को ध्यान रहती है फॉरन एक्सचेंज यूजर्व या जो फॉरन एक्सचेंज वेरिएशन हो रहा है उस पर फोकस करती है तो डेफिनेटलीर बीट ट्वाइटर फाइनेंशियल कंडीशन विद इन द डोमेस्टिक मार्केट उससे क्या होगा उससे जो फाइनेंस अवेलेबिलिटी है फंड अवेलेबिलिटी है डोमेस्टिक मार्केट में लोन की अवेलेबिलिटी है वो टाइट uh, हो जाएगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी जिससे कि कंज्यूमर uh, के पास फंड नहीं होगा पैसा नहीं होगा मनी नहीं होगा इन्वेस्टर्स के पास नहीं होगा इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होल्ड करेंगी तो बेसिकली ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिवस हैं जिनमें आर बी आई बैलेंस ट्रेड ऑफ करने की कोशिश कर रही है

now is that financial market stability overlay all the other three objectives. java inflation, ho, easy financial conditions, so cheap loan. you see, particular situation, ko senior economists are actually uh, terming this particular condition into their own own words. some are saying it is impossible to trinity. some are saying it's a classical or classic dilemma. some are saying it's a quadri- quadrilemma. However, the aggressive accumulation of foreign exchange reserve should be able to right, ring fence the country in an immediate future. So, even as RBI would do well in spelling out its foreign exchange management policy for everyone to examine, the expert argue even economists to be as particular. डेली मार्केट सिचुएशन को लेकर के डिवाइडेड हैं सम इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट आरबीआई शुड फोकस ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सम आर सेइंग दैट सेट शुड फोकस ऑन इजी फाइनेंशियल कंडीशन विद इन द डोमेस्टिक मार्केट तो बेसिकली जो इंटरपी प्ले चल रहा है मॉनिटरी पॉलिसी कैपिटल फ्लो और करेंसी मार्केट में करेंटली फॉर आर बी आई इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज कैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंपैक्ट ऑफ अ करेंसी मार्केट एंड डेफिनेटली ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस करेंसी मार्केट में अगर इंडियन करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करेगी या उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारी ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा होगा और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो रिसेंट टाइम से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ना शुरू हुआ है और इवन कोविड नाइन्टीन के, के सिचुएशन में भी जबकि वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में कोविड नाइन्टीन का इम्पैक्ट है लेकिन इंडिया जैसा इम्पेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए कहीं नहीं तो एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि इंडिया को सब पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहिए जबकि इंडिया में खुद डिमांड नहीं है तो इंटरनेशनल डिमांड से अपने ट्रेड को एक्सपो अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना चाहिए तो अगर इंडियन रुपीस की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होती है या उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो डेफिनेटली इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन

Few are saying that India should try to manage or India means RBI should try to manage uh, its foreign exchange reserve that will actually useful in upcoming future as the COVID-19 situation is increasing. Just like Anant Narayan is arguing that foreign exchange management framework or foreign exchange management intervention should be in line with the monetary policy framework. The sheer magnitude and the nature of RBI intervention leaves it an substantial determinants of currency rates.

RBI to manage टू मैनेज policy, capital पॉलिसी कैपिटल इनफ्लो पॉलिसी as वेल well as currency market. करेंसी मार्केट तो डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को इज आउट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करना जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उनको भी मैनेज करना तो सब डिफिकल्ट टू ऑब्जेक्टिव दैट एक्चुअली आर इज ड्रॉइंग टू मेनटेन सो दीज आर दू की पॉइंट दैट यू कैन गो थ्रू ऑल वी हैव डिस्कस्ड

तो इंडियन रुपी अगर अप्रिशिएट एड डेप्रिशिएट करता है तो उसका जो सीधा इम्पैक्ट होता है वो हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटनर या कैपिटल इनफ्लो पर पड़ता पर है हालांकि जो आर का जो नियरली अप्रोक्सीमेटली डॉलर सिक्स हंड्रेड बिलियन का जो रिजर्व है दैट कैन हेल्प टू कंटेन द एक्सचेंज रेट वो लैटिलिटी ऑल दो आर बी आई इज़ नॉट वेरी ओपन बट इकोनॉमिक आर कॉलिंग फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं उन, उनको क्लैरिटी रहे एक्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे अबाउट द मार्केट इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो आप देख लेते हैं टाटा सन्स स्टेक इन लिस्टेड ग्रुप फॉर्म्स क्रॉस रूपीज टेन ट्रिलियन टाटा सन्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप कंटिन्यू टू मेक गेन्स फ्रॉम द रैली इन द की फॉर्म्स इन द कांग्लोमरेट जो टाटा सन्स के जो डायरेक्ट स्टेक हैं ग्रुप में लिस्टेड कंपनीज में बेसिकली उसका जो मार्केट वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेटली टेन ट्रिलियन डॉलर सॉरी रुपीस, टेन ट्रिलियन रुपीस क्रॉस का मार्क क्रॉस कर गया है दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट वीक सो ऑन फ्राइडे टाटा सन्स डायरेक्ट स्टेक इन फोर्टीन लिस्टेड ग्रुप कंपनीज ऑफ टाटा हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली रुपीज़ टेन पॉइंट फोर फाइव ट्रिलियन दैट इज अप एटी सिक्स परसेंट फ्रॉम फाइव पॉइंट सिक्स टू ट्रिलियन एट द एंड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी जो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में जो स्टेक की वैल्यू फाइव पॉइंट सिक्स टू ट्रिलियन थी उससे एटी सिक्स परसेंट का जंप देखा है लास्ट वीक में टाटा सन्स के जो डायरेक्ट स्टेक्स हैं ग्रुप लिस्टेड कंपनीज में उसमें तो अप्रॉक्सीमेटली रुपीज टेन ट्रिलियन का मार्क जो है वो अचीव किया है and definitely tata consultancy services is one of the jewel or the crown jewel company that is continue to dominate the tata sons portfolio. But the tcs, the, other, the tata companies, the non-tcs investment that has crossed the 2 trillion for the first time, and that thanks goes to the rally in tata steel, tata motors, tata consumers, and Tata communication, as well as tata power. इन कंपनीज के जो स्टेक हैं उन्होंने एक सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू में अप्रिसिएशन अचीव किया है अभी तक तो टी के कारण टाटा के जो वैल्यूएशन जो मार्केट वैल्यूएशन होता था वो ज्यादा इम्पैक्ट होता थे बोलते थे टाटा का जो ग्रुप ग्राउंड ज्वेलर दैट इज टी बट नाउ टाटा मोटर्स कंज्यूमर्स कम्युनिकेशन स्टील पावर हैज ऑल्सो शोन द इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू एंड दिस इज द अप ट्रेंड वैल्यूएशन ग्राफ ऑफ टाटा That is market value of Tata's Tata, Tata Sons stake in the group listed firms. So this is the value in financial year 2005, and since then, after uh, little fluctuations, it achieved the market value of 10.45 trillion. और अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट पैंडमिक थी कोविड नाइनटीन की जो फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में उस समय भी टी ने बहुत अच्छा मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट किया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि टीसीएस ने किस पर्टिकुलर कंपनी को पीछे छोड़ा था इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन एक फॉरेन कंपनी थी जिसको पीछे छोड़ते हुए टीसीएस नंबर वन पे आ गया था उस समय तो कमेंट सेक्शन में लिखकर के आज मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप स्प्यूटनिक वी एप सेट टू मेक इंडिया डेब्यूट एट प्राइवेट हॉस्पिटल तो इंडिया में जो रशिया की जो स्प्यूटनिक वैक्सीन है दैट इज कोविड नाइन्टीन वैक्सीन दैट इज गोइंग टू एंटर थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल तो मई के थर्ड वीक में जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर हम सभी को पता है स्प्यूटनिक को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन का सर्टिफिकेट भी इंडिया में मिल चुका है तो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से स्प्यूटनिक को नहीं खरीदा जा रहा है गवर्नमेंट इज रिलाइंग मोर ऑन कोवैक्सिन एंड कोविडशील्ड सो स्प्यूटनिक इज लुकिंग फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल

कोविडशील्ड कोवैक्सीन एंड स्प्यूटनिक और अगर एफिकेसी की बात करें तो जो क्लेम किया जा, जा रहा है दैट इज 92 टू परसेंट नाइनटी टू टू नाइन्टी थ्री परसेंट एफिकेसी रेट इसका प्रोजेक्ट किया जा रहा है स्प्यूटनिक का अगेंस्ट कोविड 19 तो इंडिया में कितनी इफेक्टिव रहती है यह भी शायद थोड़ा सा डेटा आने के बाद ही क्लैरिटी होगी आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप टेलकोस एट ऑर्ड्स ओवर इंडियन फाइव स्टैंडर्ड रिसेंटली फाइव जी के रोल आउट को लेकर के फाइव जी की टेस्टिंग को लेकर के जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको परमिशन दी गई थी कि दे कैन गो विद देयर कोलाबोरेटर फॉर टेस्टिंग फाइव जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया और हमने डिस्कस भी किया था जिसमें से चाइनीज कंपनीज को बाहर रखा गया था उनको अलाउ नहीं किया गया था इंडिया में 5G जी रोल आउट के लिए अब 5G जी रोल आउट को लेकर के पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज थी फाइव जी जो टेक्नोलॉजी है उसके स्टैंडर्ड को लेकर के फिर से कुछ कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो रही है और जिसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज ट्राई ने जितने भी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया बेसिकली जो सेलुलर कंपनीज को टेलीकॉम कंपनीज को रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करती है जो बॉडी उसको डायरेक्ट किया है दैट दे शुड गिव द प्रेजेंटेशन डिटेलिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सियल इंडियन फाइव जी स्टैंडर्ड ऑल्सो नोन एज फाइव जी आई

इंटरवेंशंस हैं उनको करने के अप्रूवल देते हैं एंड दट इज सेट द टेलकोज आर इंकरेज बेसिकली उनको इंकरेज भी किया जा रहा था टू कंडक्ट द ट्रायल्स यूजिंग फाइव जी आई टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू द ऑलरेडी नोन एज फाइव जी टेक्नोलॉजी तो बेसिकली फाइव जी फाइव जी आई क्या है सर बेसिकली फाइव जी फाइव जी आई टेक्नोलॉजी हैज बिन डेवलप्ड बाई आई आई टी मद्रास सीविट एंड आई आई टी हैदराबाद एंड नंबर ऑफ टेल कंपनीज लाइक एयरटेल अपोज द फाइव जी आई टेक्नोलॉजी इट want ओनली द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ 3g pp to be टू बी is दैट इज ओनली not जी टेक्नोलॉजी नॉट फाइव तो इंडियन जो ऑपरेटर्स हैं कंपनीज़ हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि वो 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5G टेक्नोलॉजी है उसके साथ फाइव जी आई टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट करें एंड डेफिनेटली इनकम्बेंट ऑपरेटर्स ओनली टू टेस्ट द ग्लोबल स्टैंडर्ड थ्री जी पी पी टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर फाइव जी अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ऑपरेटर सेंट्रल कंपनी डू नॉट वॉन्ट टू टेस्ट दिस फाइव जी आई टेक्नोलॉजी दट इज इंडीजीनियसली डेवलप और इंडियन फाइव जी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी तो जितने भी टेलीकोम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनका यह है कहना है कि दिस टेस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकल टेक्नोलॉजी विल ओनली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क एंड मोबाइल डिवाइस एज वेल एज द सीरियसली इंपैक्ट द इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन द नेटवर्क क्योंकि फाइव 5G जी और फाइव जी आई दोनों टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड अलग हैं अगर दोनों कोई साइमल्टेनियसली टेस्ट किया जाएगा तो इंटर जो होगी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी ऑन द अदर एंड जो नेटवर्क हैं जो डिवाइसेज हैं चाहे वो मोबाइल डिवाइसेज ही क्यों ना हो देट आर एक्चुअली एज पर द फाइव जी टेक्नोलॉजी नॉट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ फाइव जी आई क्योंकि फाइव जी इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फाइव जी इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ थ्री जी पी पी तो उसी के अकॉर्डिंग सारे नेटवर्क हैं उसी के अकॉर्डिंग मोबाइल डिवाइसेज भी हैं इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी ईजी हो जाएगी अगर एक टेक्नोलॉजी पर हम रहेंगे अननेसेसरी फाइव जी आई को लाने से कॉस्ट ऑफ नेटवर्क बढ़ेगी मोबाइल डिवाइसेज की भी कॉस्ट बढ़ेगी एंड डेफिनेटली इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द इंटर ऑपरेटेबिलिटी नेटवर्क के बीच में जब कनेक्शन दो डिफरेंट नेटवर्क दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बीच में कनेक्शन लाना होगा दैट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ये एयरटेल का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जियो की बात करें

बट गियर मेकर जो डिवाइस मेकर हैं मोबाइल मैन्यूफैक्चर मेकरस हैं उनका यह कहना है इट विल टेक टाइम और अगर इंडिया फाइव जी आई पर स्टिक रहता है तो इंडिया कैन मिस द फाइव जी बर्स टारगेट तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज इसीलिए कम्युनिकेशन कंपनीज को बोला गया है कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी डाटर्स सेलूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू ट्राई को प्रजेंटेशन दें वाई दे आर नॉट यूजिंग फाइव जी आई टेक्नोलॉजी एंड वॉट इज द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ फाइव जी आई टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन बी एक्चुअली इम्प्रूव अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप यहाँ पर मैंने दो न्यूज़ को कंबाइन कर दिया बेसिकली एक्सपोर्ट सर्च एटी परसेंट टू डॉलर सेवन बिलियन इन मे फर्स्ट वीक जैसा कि अभी हमने पहले ही न्यूज़ में डिस्कस किया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इर रिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड नाइन्टीन क्योंकि इन इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन है वैसे सिचुएशन अदर कंट्रीज में नहीं है उतनी वर्स सिचुएशन अदर कंट्रीज में नहीं है अदर कंट्रीज अभी भी अपनी रिकवरी की पाथ पे कंटिन्यू है इंडिया की रिकवरी पाथ रुक गई है बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव तो अदर जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज वो अभी भी एंड स्टिल दे आर रिकवरिंग फ्रॉम द फर्स्ट शॉक तो वहाँ पर डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है और इसीलिए इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है तो कंटिन्यूइंग अ पॉजिटिव ग्रोथ इंडिया एक्सपोर्ट ग्रू बाय परसेंट टू दैट इज डॉलर सेवन पॉइंट जीरो फोर बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ और अगर आपको याद हो तो हमने न्यूज़ डिस्कस भी करी थी एक्सपोर्टर्स का ये कहना कि एज लॉन्ग एज इंडिया इज एबल टू सर्व एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ़ इंटरनेशनल मार्केट देयर विल बी ग्रोथ इन एक्सपोर्ट और इंडिया का जो एक्सपोर्ट अगर आपको याद हो तो इंडिया इज एक्सपोर्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल जंप नियरली थ्री फोल्ड टू डॉलर थर्टी पॉइंट टू वन बिलियन फ्रॉम डॉलर टेन पॉइंट वन सेवन बिलियन इन द वेरी सेम मंथ लास्ट ईयर ऑल दो बेस इफेक्ट हमने डिस्कस किया ही था लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पिछले साल यानी फाइनेंशियली टू से कंपेयर करें तो भी इंडिया का एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है और अगर कमोडिटीज़ की बात करें कि कौन से ऐसे एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है जिनमें इंक्रीज़ देखने को मिला दैट इज़ ज्वेलरी जूट कारपेट हैंडीक्राफ्ट लेदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑयल मिल्स कैश्यू इंजीनियरिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मरीन प्रोडक्ट्स एज एंड केमिकल्स इन सारी कमोडिटीज में अच्छा जंप देखने को मिला है क्योंकि अदर इकोनॉमीज में रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है डिमांड बढ़ रही है अब दूसरी क्लिप क्या है पावर कंजप्शन आप ट्वेंटी इन द फर्स्ट वीक पावर कंजप्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर किसी भी इकोनमी में पावर कंजप्शन बढ़ रहा है तो ये अज्यूम किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सर्विस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं इसीलिए पावर कंज्यूम हो रही है और पावर कंजप्शन अगर गिरता है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में इकॉनॉमी जो है वो रिसेशन की कंडीशन में या डाउन की कंडीशन में जाएगी क्योंकि पावर का यूज़ नहीं है तो अगर पावर कंजप्शन डेटा की बात करें तो 25 परसेंट इंक्रीज देखा गया इन द फर्स्ट वीक सो पावर कंजप्शन इन द कंट्री ग्रू ट्वेंटी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे दैट इज़ टू 6.24 बिलियन यूनिट ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर एंड डेफिनेटली लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे फिर लो बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा बट फिर भी ये तो कहा ही जा सकता है कि जो लास्ट ईयर इंपैक्ट था वो इस बार देखने को नहीं मिला है एंड इट इज स्टिल शोइंग द कंसिस्टेंट रिकवरी इन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर द पावर मिनिस्ट्री तो पावर कंजप्शन को देखकर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिल रहा है इवन द इंडिया इज बैडली हिटेड बाय दिस कोविड नाइनटीन सेकेंड वेव सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स ऑल न्यूज वर टेकन फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर रिसर्च गेट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंसर राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू